अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा का, सब फाइलम सेफालोकॉर्डेटा। तो सबसे पहले सेफालोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इनके मेंबर्स को हम नाम देते हैं लैंसेलेट्स का, और इसके सब फाइलम, इस सब फाइलम के अंदर आते हैं हमारे पास टू जेनरा, ब्रैंकियोस्टोमा और एसमिट्रोन, और तकरीबन इसके अंदर आती हैं 45 स्पीशीज। अभी हमारे पास स्मॉल टैडपोल लाइक एनिमल्स हैं, और इनके अंदर सारी के सारी फोर कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अगर इनको देखें तो ये लेटरली फ्लैटेड है, मतलब दोनों साइड से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह पतले होते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेट मतलब लंबी है और तकरीबन ट्रांसपेरेंट होती है। अब ये हमारे पास है वीक स्विमर्स, और ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है वो फिल्टर फीडिंग पोजिशन में ही स्पेंड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाफ जो है वो सैंड के अंदर या मड के अंदर बरीड है, तो इस तरह जो है वो फिल्टर फीडिंग पोजिशन में ही अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करेंगे। अब इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो इनके टेल से हेड तक एक्सटेंड करते हैं, इसी वजह से इनको सेफालोकॉर्डेट्स का नाम दिया जाता है। और ज़्यादातर इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो मसल सेल से मिलके बनी होती है। जैसे हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं तो कि नोटोकॉर्ड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, लेकिन यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वो मसल सेल के मिलके बनी हुई, इसी वजह से ये नोटोकॉर्ड जो है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टाइल है। और इन्हीं मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, नोटोकॉर्ड की रिजिडिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि नोटोकॉर्ड के अंदर जितना भी फ्लूड है वो कंप्रेस होगा, ठीक है। इसी वजह से सैंडी सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो पुश करने के लिए इनको काफ़ी एडिशनल सपोर्ट मिल जाती है। और जब ये मसल जो है ये रिलैक्स करेंगे तो इन नोटोकॉर्ड की जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये इजीली स्विम कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग स्विमर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से मसल सेल्स को। तो मसल सेल जो बॉडी के दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, ये आगे जो है वो अंडुलेशन पोज करेंगे, जो कि सेफालोकॉर्डेट को प्रोपेल करेगी वाटर के अंदर, और लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रोलेटरल फोल्ड जो है वो बॉडी वाल की, मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो इस तरह के साइड पे और वेंट्रोलेटरल जो बॉडी वाल की फोल्ड्स हैं वो सेफालोकॉर्डेट को स्टेबलाइज करेंगी कि स्विमिंग के दौरान जो है वो अपना बैलेंस जो है वो लूज ना करे। इसी तरह नेक्स्ट एक और हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ओरल हुड। तो ये जो ओरल हुड है ये एंटीरियर साइड से जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट करी है, और ये इसके ऊपर जो है वो आगे सिलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि इसके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। अब इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं सीरिका, और ऑफ कोर्स ये जो सिरे या फिर जो सीलिया है ये यूज होंगे आगे फीडिंग के अंदर। अगर हम ओरल हुड की पोस्टीरियर वाल को देखें तो पोस्टीरियर वाल जो ओरल हुड की है वो आगे क्या करेगी, वो माउथ ओपनिंग को बियर करेगी, और माउथ ओपनिंग से आगे जो है वो फेरिंग्स स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे भी फेरिंग्स के अंदर ऑफ कोर्स काफी ज्यादा फेरेंजियल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट है, और इन फेरेंजियल स्लिट्स का आगे क्या काम होगा, ऑफ कोर्स इनका काम जो है वो गैस एक्सचेंज के अंदर है। और फेरेंजियल स्लिट्स यहाँ पे सपोर्ट हो रही है कार्टिलेजिनस गिल बार से, मतलब कार्टिलेजिनस गिल बार्स जो है वो आगे इन फेरेंजियल स्लिट्स को सपोर्ट कर रही है, और एट्रियम जो है वो फेरिंग्स को सराउंड कर रहा है यहाँ पे। और एट्रियम का यहाँ पे अब मेन फंक्शन क्या है, एट्रियम का फंक्शन ये है कि फेरिंग्स की जो डेलिकेट सर्फेसिस हैं, जो इसकी फिल्टर फीडिंग सर्फेसिस हैं, उनको बॉटम सेडिमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसी जो एट्रियम की ओपनिंग है इसको हम नाम देते हैं एट्रियोपोर का। आगे हम देखते हैं इसके मेंटेनेंस फंक्शंस को। तो मेंटेनेंस फंक्शंस को में सबसे पहले हम देखते हैं फिल्टर फीडिंग को। तो ये फिल्टर फीडिंग किस तरह करते हैं, फिल्टर फीडिंग में जैसे हम पहले डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये पार्शली या मोस्टली सैंड के अंदर जो है वो या मडी सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो बरीड होते हैं, उनका माउथ जो है वो अपवर्ड लोकेटेड होता है। अब सीलिया जो है वो जो गिल बार के सर्फेसिस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, वही ऑफ कोर्स वाटर को मूव करवाएंगे माउथ के अंदर, और वाटर जो है वो आगे फेरिंग्स के अंदर पास करेगा, और फेरेंजियल स्लिट्स के थ्रू जो है वो आगे फिर फेरिंग्स से आगे एट्रियम में पास करेगा, और एट्रियम से आगे एट्रियोपोर के थ्रू बॉडी को लीव कर जाएगा। अब फूड जो है वो सीरी पे सॉर्टेड होती है, सॉर्टेड मतलब के सीरी डिसाइड करेगा कौन सी फूड जो है वो आगे माउथ के अंदर जाएगी और कौन सी फूड को रिजेक्ट होना है। तो इस तरह जो है वो सीरी पे सॉर्ट होने के बाद जो स्मॉलर एडिबल पार्टिकल्स हैं वो आगे माउथ के अंदर पुल होंगे वाटर के थ्रू, यानी वाटर जो है वो जैसे ही वाटर आगे सर्कुलेट कर रहा है तो वाटर के थ्रू जो है वो माउथ में स्मॉलर एडिबल पार्टिकल्स आगे जाएंगे, जो कि सीलिया ने कलेक्ट किए थे गिल बार्स के ऊपर, और इसके अलावा एंडोस्टाइल की म्यूकस ने कलेक्ट किए थे आके म्यूकस शीट की फॉर्म में। तो इस तरह जो है वो सीलिया फूड को मूव करेगी और म्यूकस को डोर्सली एक फूड कॉर्ड बनाते हुए ताकि आगे गट या डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जा सके। इसी तरह एक रिंग ऑफ सीरिया आगे फूड कॉर्ड को रोटेट करेगी ताकि फूड और जो म्यूकस है वो सेपरेट हो सके।
आगे डाइजेशन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, इंट्रा सेलुलर भी होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि कैविटी या फिर स्टमक के अंदर होगी, और इंट्रा सेलुलर मतलब सेल्स के अंदर भी होगी। और आगे गट का एक डाइवर्टिकुलम है जिसको हम नाम देते हैं मिड गट सेकम का। तो मिड गट सेकम जो है वो एंटीरियरली एक्सटेंड करेगा, और आगे जो है वो राइट साइड ऑफ फेरिंग्स पे ब्लाइंडली एंड करेगा, मतलब आगे कोई ओपनिंग हमें नहीं देगा, और डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रेट करेगा। और एनस जो है वो वेंट्रल फिन के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है ताकि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो एनस के थ्रू बॉडी को लीव कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन को। तो ब्लड सर्कुलेशन में इसके पास कोई भी ट्रू हार्ट नहीं होता, बल्कि जो लार्ज आर्टरीज की कॉन्ट्रैक्शंस है वही ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। अब ब्लड के अंदर हमारे पास अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा जो ब्लड है वो ओपन स्पेसिस में या ओपन साइनोसिस में जो है वो टिश्यूज को बाथ करता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। और इसके अलावा हार्ट भी प्रेजेंट नहीं है, बल्कि मेजर आर्टरीज की कॉन्ट्रैक्शन ही ब्लड को पुल करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी ट्यूबुल्स है वो असल में मॉडिफाइड सिलोमिक सेल्स ही हैं जो कि ब्लड वेसल्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड होती हैं। अब क्योंकि ये एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब है कि इस अरेंजमेंट जो है ये सजेस्ट हमें करती है कि मटेरियल जो है वो ब्लड और एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स के दरमियान जो है वो किसी तरह से ट्रांसफर हो रहा है। आगे इनकी जो सेरोमा है वो ज़्यादातर रिड्यूस्ड होती है, और ज़्यादातर गिल बार्स के अराउंड जो कैनाल्स प्रेजेंट है उन तक रिस्ट्रिक्टेड होती है एंडोस्टाइल और गोनेट तक। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को। तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं डाइओशियस, और जो गोनेट्स हैं वो एट्रियम से जो है वो हमारे बल्ज करते हुए नजर आते हैं लेटरल बॉडी वॉल पे। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा की फॉर्मेशन करेगी, और ये जो लार्वा है ये फर्स्ट जो है वो फ्री स्विमिंग करेगा, और इसके बाद जो है किसी भी सबस्टेट के ऊपर फॉर्म करे जो है वो सेटल करेगा, और सेटल करने के बाद जो है वो अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस कर जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।